इतना फर्क और उनकी मोहब्बत, तुमसे डरते थे, तुमसे डरते हो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक अच्छे से देख लेना, आप भी इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबको मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है XML डाउनलोड करने में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको एक वीडियो मिलेगा, एटलीस्ट आप वो वीडियो देखो पहले। आप लोग वीडियो बिना देखे ही कमेंट कर देते हो कि XML डाउनलोड नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे। वीडियो देख के इजीली कर सकते हो, इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है, इजीली डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही इजी स्टेप है। सिर्फ 2 पेज में आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग ट्राई करो। आप लोग बोलते हो नहीं होता है, नहीं होता है, एटलीस्ट अच्छे से वीडियो देख लो, देखने के बाद XML फाइल आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत लोग ये भी कमेंट करते कि फेक लिंक्स देता है। अरे भाई, फेक लिंक्स क्यों दूंगा मेरे भाई, XML का लिंक आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक तो करो पहले, उस वीडियो को देख लो, इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे इंस्टा पे DM कर सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक कर ला, सब कुछ मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोनों XML को एलाइट मशीन में इम्पोर्ट कर लेना है। कर लेने के बाद एलाइट मशीन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सॉन्ग है ये डिलीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, एक वीडियो होगा सिंपल से, उस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड करना है। वीडियो को सिलेक्ट करके 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना और वीडियो को डिलीट कर देना, जो साउंड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे बैक आना है, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके 1:1 रेशियो पे जाना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 1:1 रेशियो वाला 5 इमेजेस आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। 5 इमेजेस आपको 1:1 रेशियो वाला सेव कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, इमेज का ग्रुप दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। 5 इमेज का ग्रुप दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, इमेज का लेयर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फील्ड पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो 1:1 रेशियो वाला इमेज है सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, हो गया। बैक आना है, नेक्स्ट ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, 1:1 रेशियो वाले इमेज को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर से बैक आना है, थर्ड ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना है। ऐसे बैक आना है, फोर्थ ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर से बैक आना है, फिफ्थ ग्रुप पे जाना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। ये जो 5 इमेजेस है, ये 5 इमेजेस का रेशियो 1:1 है, तो 1:1 रेशियो वाला इमेजेस एलाइट मोशन में पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे बैक आना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है, आपको सिंगल एक इमेज का लेयर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल बिटमार्क, डबल बिटमार्क दिखाई देगा। सिंगल बिटमार्क का मतलब है फर्स्ट इफेक्ट, डबल बिटमार्क का मतलब है सेकंड इफेक्ट। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड कर लेना है, ताकि आपको इजीली आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड बोल रहे हो, इजीली आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, इफेक्ट वगैरह आप इजीली ऐड कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। और आपको तो पता है सभी इमेजेस कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। कुछ भी डिले होता है, कभी कभी लेट होता है वीडियो आने में, या कभी कभी अपलोड नहीं कर पाता, फॉन्ट्स वगैरह, स्टेटस वगैरह, HD इमेजेस वगैरह, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप इजीली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वीडियो को तो लाइक नहीं करते है कि नहीं, अभी तक तो किया नहीं, मत करो, रहने दो, क्या यार तुम तो लाइक नहीं करते यार, खराब लगता है, तो लाइक क्या करो, कमेंट क्या करो, बस वही तो चाहिए, लाइक और कमेंट्स, और तो कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से क्या करना है,
सभी इमेजेस को ऐड कर लेना या सब बैक आने शेक इफेक्ट पे जाना, ठीक है। इफेक्ट ऑन इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, तो बहुत लोग ये भी बोलते कि इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, जो इफेक्ट शेक इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल पे इफेक्ट दिया है, इफेक्ट ऑन इफेक्ट टू। सिंपल से इफेक्ट ऑन पे क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, यहाँ से बैक आ जाना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है। ये जो ट्रिपल बिटमार्क वाला इमेजेस है, इसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल बिटमार्क दिखाई दे रहा है। सिंगल बिटमार्क वाला जितना भी इमेजेस है सभी इमेजेस को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, डबल बिटमार्क को छोड़ देना है। सिंगल बिटमार्क वाले इमेजेस पे जो फर्स्ट इफेक्ट आपने कॉपी किया था पेस्ट करना है, डबल बिटमार्क को छोड़ देना है। जैसे मैं करो सेम टू सेम आपको भी कर लेना, डबल बिटमार्क को छोड़ देना है क्योंकि सेकंड इफेक्ट वो पेस्ट होगा। फिर से बैक आना है, शेक इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट टू है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, तीनों सीसी को सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर कर लेना है। जैसे बैक आ जाना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करके पेस्ट थ्री लेयर कर देना है ताकि सीसी आप ऐड कर लो। उसके बाद जितना भी डबल बिटमार्क वाला इमेजेस है सभी इमेजेस पे जो सेकंड इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्या? कोई नहीं, देखो इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरीके से आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए। ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक जरूर करना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।